नमस्कार दोस्तों, करीब 2 से 3 दिन से व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर कुछ इस प्रकार के चित्र देखने को काफी मिल रहे हैं और एक वर्ग ये बात कर रहा है कि सरकार ने ये क्या मैनेजमेंट करी कि दिल्ली से इतने सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, यूपी में, बिहार में, और उनके लिए ना तो रेल की व्यवस्था हुई, अचानक से लॉकडाउन कर दिया गया, उनके लिए और कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में आखिर सरकार को मिला क्या? दोस्तों, इससे मुझे याद आता है कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया एक आर्टिकल कि पीएम मोदी की सोफिया चॉइस क्या है। आखिर क्या होती है ये सोफिया चॉइस? दोस्तों, एक विलियम हुए जिन्होंने एक किताब लिखी थी सोफिया चॉइस। ये किताब आधारित है नाजीज के समय में जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे उन पर, जहां पर एक ज्यू महिला थी जिसके 2 बच्चे थे, उसको चॉइस दी गई डॉक्टर द्वारा कि आपको चुनना पड़ेगा कि आप अपने किस बच्चे को जीवित देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके एक बच्चे को हम मृत्यु दंड जरूर देंगे। महिला ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं चुनेंगी तो हम आपके दोनों बच्चों को मार देंगे। ऐसे में महिला ने अपनी 8 साल की बच्ची को आगे कर दिया, लेकिन वो पूरा जीवन जब तक जीवित रही महिला, वो उस कष्ट को अपने साथ लेकर जी। वो कभी उस बात से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि किसी मां के लिए अपने बच्चे का दर्द उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह दोस्तों, जब बात होती है लॉकडाउन की, देखिए कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो क्यों चाहेगी कि लॉकडाउन हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेंगी, सब कुछ होगा, सब बहुत बढ़िया होगा, हर कोई ये चाहता है। लेकिन बात यह है कि यदि एक भी गरीब आदमी को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी हो जाए तो इस देश में मृत्युओं की सुनामी आ सकती है। उस सुनामी रोकने के लिए ही लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेना पड़ा। और ऐसा कड़ा फैसला लेने से मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक नुकसान होगा, मैं मानता हूं कि लोगों को रहने की कुछ परेशानियां आ रही हैं, हालांकि उनके लिए भी सरकार, चाहे राज्य सरकारें हों, वो भरसक प्रयास कर रही हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर कोरोना वायरस जैसी चीज हो गई, गरीब के पास मेडिकल केयर की प्रॉब्लम है, गरीब के पास उतना पैसा नहीं है, वो उतना सक्षम नहीं है कि वो अपना इलाज ढंग से करवा सके, और अगर कुछ दिन लॉकडाउन होगा तो शायद उसका रोजगार जाएगा, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो शायद उसकी जान भी जाएगी, और जो कि उससे बहुत ज्यादा संख्या में जाएगी। ऐसे समय पर हमें दोनों ऑप्शंस को वे करना पड़ता है। जब हम दोनों ऑप्शन वे करते हैं तभी हमें समझ आती है कि यह बात क्या है। एक मेरे पास एक बात मुझे याद आई, सच्ची घटना है जो अमेरिका में हुई थी आज से कुछ साल पहले, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी, सूली। अमेरिका में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक प्लेन ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के करीब 3 ही मिनट के अंदर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए, क्योंकि कुछ पक्षी उससे टकरा गए। ऐसे में जो कैप्टन सूली जो उस प्लेन को उड़ा रहे थे, उनके पास चॉइस थी कि अब वो क्या करें, और उन्होंने उस प्लेन को सर्दियों के समय में हडसन रिवर पर उतार दिया, जो कि बहुत ठंडी रिवर होती है। खुशकिस्मती के सभी करीब 155 यात्री बच गए। अब उसके बाद इंक्वायरी चली सूली जी के खिलाफ कि कैप्टन सूली, आपको प्लेन क्या वापस नहीं लेके जाना चाहिए था, या और किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पर? अब सिमुलेशन अगर आपने देखा हो तो उस तरह की चीजों को रचा जाता है, और सिमुलेशन पर चेक किया गया क्या होगा, तो सिमुलेशन पर लोगों ने कहा कि नहीं, इनके पास ऑप्शन थी कि ये वापस भी चले जाएं। लेकिन कैप्टन सूली ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बात आप ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा जितने समय में, जितना कुछ सेकंड का समय जो मेरे पास था, उस समय में इस फैसला आपको अगर लेना हो तब आप बताइए उन परिस्थितियों में। तो जब उन परिस्थितियों की बात आई तो यह निकल के आया कि कैप्टन सूली का डिसीजन जो था वो बिल्कुल सही था, अदरवाइज तो शायद क्रैश हो जाता। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां जैसी भी हैं, विषम हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में कुछ फैसले हमें लेने पड़ते हैं जो कड़े होते हैं, लेकिन उन फैसलों में ऐसा नहीं है कि वो फैसले बिल्कुल सही हैं, नुकसान उनसे भी होगा, लेकिन बड़ा नुकसान होने से बचने के लिए कई बार हमें छोटा नुकसान को झेलना पड़ता है।
और हमारा कर्तव्य इसी बात के लिए बनता है। मैं जानता हूं घर में सिकुड़े हुए बैठे रहना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन है। कुछ लोग वो कहते हैं कि अरे हमें गांव में जाएं, हम गांव में घूम लेंगे। एक तरफ तो बात होती थी कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, और ग्लोबल विलेज की बात तो ये हुई कि आज हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते क्योंकि हमें मना है, हमें ऐसे आदेश है, हमें ऐसे आदेश है अपने घर में रहिए, हमें ऐसे आदेश है ध्यान रखिए, लोगों से हाथ न मिलाइए, जबकि भारत कह रहा था कि हम तो दोस्ती का हाथ सबसे आगे बढ़ा के रखते हैं जी। तो बात यह है कि आप अपना ध्यान रखिए, आपका देश का ध्यान यही है कि आप अपना खुद का ध्यान रखें। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों में हैं उनका जितना आप मदद कर सकें वो मदद कीजिए। और इसी बात पर मुझे डार्विन की एक बात याद आती है, मैं जिससे अंत करना चाहूंगा। वो कहते थे कि जीवित वो नहीं रहता जो सबसे शक्तिशाली है, जीवित वो नहीं रहता जो बुद्धिमान है, जीवित वह रहता है जो उस बदलाव के लिए सदा तत्पर है, जो बदलाव के लिए सदा तत्पर है। सो दोस्तों, आप ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें बदलाव के लिए तत्पर रहना है। और मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर @APS Judicial Academy। थैंक यू।